ये हमारा थर्ड कंपोनेंट हो गया, ठीक है, फर्स्ट मैग्नेट, सेकंड रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल, थर्ड एक्सेल। एक्सेल जो है वो इस कॉइल को सपोर्ट करता है, उस पर ये कॉइल माउंटेड रहती है, ठीक है। देन इस रॉड के ऊपर जहां पर हम कॉइल को अटैच करते हैं उस जगह पर देखो हमने ये दो और कुछ चीजें बना रखी हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स, दे आर स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, S1 S2 बोल दूं मैं इन्हें, स्प्लिट रिंग S1 एंड S2, ठीक है। ये जो है ये स्प्लिट रिंग S1 है, ये S2 है, स्प्लिट रिंग्स हम कहते हैं इन्हें। ये स्प्लिट रिंग्स जो है ये इस रॉड के ऊपर जो हमने एक्सेल बोला है, एक्सेल रॉड जो बोली है उसके ऊपर अटैच्ड होती हैं, परमानेंटली अटैच्ड होती हैं। स्प्लिट रिंग्स हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ध्यान से अगर हम यहां पे देखें इनके बीच में हमने एक गैप रखा है, ये पीछे भी इसी तरह का हमें दिखेगा, ये जो स्प्लिट रिंग्स है ये पीछे भी हमें इसी तरह की दिखेंगी, ठीक है। That means they are two parts of a ring. एक पूरी रिंग के, complete रिंग के इस तरह के ये दो parts हैं, ठीक है, जो बीच में से टूटे हुए हैं। They are two equal parts of a spring, of a ring broken from between. बीच में से उसको हमने अगर काट दिया तो ये हमें दो split rings मिलेंगी। इन split rings की भी कुछ खासियत होती है। इन split rings का जो ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब जो हमें दिखेगा, दैट इज कंडक्टिंग, वो एक कंडक्टिंग मटेरियल का होता है। जो अंदर वाला पोर्शन है जो एक्सेल के ऊपर चिपका हुआ है, दैट इज इंसुलेटेड, ठीक है। दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम इनसाइड बट कंडक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। सो स्प्लिट रिंग सबसे पहले तो हम ये बता दें, दे आर अटैच्ड टू द एक्सेल, दूसरा पॉइंट हम ये बोल रहे हैं अगर इस तरह से हम ये स्प्लिट रिंग बता रहे हैं, देन द आउटर पार्ट इज कंडक्टिंग, ठीक है, द आउटर पार्ट इज कंडक्टिंग, वेयर एज द इनर पार्ट इज इंसुलेटेड, ठीक है। सो स्प्लिट रिंग्स S1 एंड S2, ठीक है, स्प्लिट रिंग्स S1 एंड S2, ये एक रिंग के दो पार्ट्स है सेमी सर्कुलर शेप के, ठीक है, जिनका बाहर वाला पोर्शन, दैट मींस जो हमें एक्चुअली यहां से दिखेगा वो कंडक्टिंग होगा, ठीक है, एंड द इनर पोर्शन विल बी इंसुलेटेड, इनका जो अंदर का पोर्शन होगा वो इंसुलेटेड होगा, जो एक्चुअली रॉड से, एक्सेल से अटैच्ड है। एक और बात जो यहां पर हम नोट करें, जो कॉइल हमने बताई थी वो एक्चुअली इसी स्प्लिट रिंग से अटैच्ड होती है, the coil is attached to the split rings, ठीक है। ये एक और important बात यहां पर आती है, the coil is attached to the split rings, the coil is attached to the split rings,
ठीक है, एक जगह पर कॉइल एक स्प्लिट रिंग से अटैच्ड होगी, दूसरी जगह पर कॉइल दूसरी स्प्लिट रिंग से अटैच्ड होगी, ठीक है। ये जो अटैच्ड हम बोल रहे हैं दैट मीन इट इज परमानेंट, वो परमानेंटली उसी से अटैच रहेगी। ये जो P पॉइंट है ये हमेशा S1 से अटैच रहेगा, ये S पॉइंट जो है ये हमेशा S2 से अटैच रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स हो जाते हैं। एक लास्ट पार्ट जो हमारा बचता है ये जो ग्रीन कलर के यहां पे हमें जो दो और पोर्शन दिख रहे हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं, ये जो हमें दो दिख रहे हैं दिस एंड दिस, ये दोनों जो हमें दिख रहे हैं इनको हम इलेक्ट्रिकल ब्रशेस बोलते हैं। दे आर इलेक्ट्रिकल और वी कैन से कंडक्टिंग ब्रशेस। ठीक है, इनको भी हम नाम देते हैं, इसको मैं बी वन बी टू बोल देता हूं, कंडक्टिंग ब्रशेस बी वन एंड बी टू। ठीक है, अब ब्रशेस का एस्पेक्ट ध्यान से समझना, यहां पर एक छोटा सा कैच है। ये जो ब्रशेस है ये अपनी जगह पर तो फिक्स्ड रहेंगे, ये अपनी अपनी जगह पर तो फिक्स्ड रहेंगे, बट दे आर नॉट अटैच्ड टू द रिंग्स। ये रिंग्स से सिर्फ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, लेकिन ये ब्रशेस अपनी अपनी जगह पर जो है फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, ये दो ब्रशेस रखे हुए ये अपनी जगह पर फिक्स्ड रहेंगे, साथ में ये इन रिंग्स के स्प्लिट रिंग्स के कॉन्टैक्ट में भी रहेंगे। जब ये रिंग्स इस तरह से इनको टच करती हुई जाएंगी तो रिंग्स तो मूव होती रहेंगी, ये एक्सेल हम आगे जाके रोटेट करवाना चाहते हैं, तो जब ये एक्सेल रोटेट होगा तो रिंग्स भी रोटेट होंगी, लेकिन रिंग्स के रोटेट होने से ये ब्रश नहीं मूव करेगा, ब्रश जो है वो सिर्फ कॉन्टैक्ट में है। हम उसको ब्रश एक्चुअली बोल ही इसलिए रहे बिकॉज इट विल कीप ब्रशिंग द कंडक्टिंग रिंग्स द स्प्लिट रिंग्स, वो उनको इस तरह से ब्रश करते हुए निकलेंगी। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट कंडक्टर्स, दे आर स्मॉल कंडक्टिंग पीसेस विच रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द स्प्लिट रिंग्स। फिक्स्ड बट remain in contact with the split rings. ठीक है, दिस कंप्लीट द सेटअप। यहां पर हमारा सेटअप वाला पार्ट कंप्लीट होता है, आगे जो है वो तो सिर्फ एक सर्किट है। ठीक है, हम ब्रशेस में ये भी बोल सकते हैं दैट द कंडक्टिंग ब्रशेस
आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट, ये भी इनका पर्पस है, दे आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट. They are directly connected to the external circuit. ठीक है. अब ध्यान से समझो कि exactly क्या यहां पर होगा, क्या working होगी. ठीक है. Now ये हमने एक इतना बड़ा setup बताया है, but it is not such a huge setup. एक छोटे से box के अंदर ये सब कुछ आ जाता है. ऐसा समझ लो कि हमने ये पूरा setup जो है यहां से यहां तक एक box में डाल दिया. ठीक है. उसी बॉक्स के एंड्स पर इस तरह से दो मैग्नेट्स लग गए. ठीक है. बीच में एक कॉइल इस पतले से एक रॉड के ऊपर सस्पेंड हो गई. ये जो रॉड भी होती है ये छोटी सी मोटर में एक पतली सी रॉड होती है. ठीक है. फिर ब्रशेस को हमने यहां पर इस तरह से कहीं दो पॉइंट्स दे दिए. उन पॉइंट्स पे हम ये बैटरी कनेक्ट कर देंगे. ठीक है. सो दिस इज नॉट अ वेरी ह्यूज सेटअप. एक छोटे से सेटअप में भी इस तरह की मोटर बनाई जा सकती है. ठीक है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ अ मोटर, उसको हम ध्यान से समझे. ठीक है. हमने क्या कहा था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ मोटर. वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टू रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी. रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी का क्या मीनिंग होता है, जैसे फैन घूम रहा है तो वो रोटेट हो रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है पर वो रोटेट हो रहा है. उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन. तो हम इस बैटरी को यूज करके, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं. नाउ व्हाट विल बी द एग्जैक्ट प्रोसीजर, उसको पहले हम ध्यान से समझें और फिर हम उसको नोट डाउन करेंगे कि क्या है डिटेल प्रोसीजर. हमने जैसे ही यहां पर इस सर्किट को क्लोज किया, ठीक है, जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे, इस बैटरी से करंट निकला, इधर गया, ब्रश के थ्रू, स्प्लिट रिंग्स के थ्रू इस कॉइल में करंट गया इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. यहां से होता हुआ फिर ये करंट इस तरह से नीचे आएगा और फिर यहां से घूमता हुआ स्प्लिट रिंग के थ्रू, ब्रश के थ्रू वापस इधर आ जाएगा. ये यहां पर करंट का फ्लो हमने समझ लिया. सबसे पहले करंट इस तरह से फ्लो होगा. नाउ बिकॉज ऑफ द मैग्नेट्स, जो हमने मैग्नेट्स लगा रखे हैं उनकी वजह से, उन मैग्नेट्स की वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी. ठीक है. उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम समझ लें. द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी. ये मैग्नेट्स भी अपनी जगह पर फिक्स्ड है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी परमानेंटली ऐसी ही रहेगी. अब साफ साफ दिख रहा होगा, क्लिक हो रहा होगा कि यहां पर जो हमने पिछला आर्टिकल पढ़ा था वो अप्लाई होगा ही. ठीक है. फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. और हमें यहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा. हम यहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं और देखें क्या होता है. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और वी कैन से डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इनसाइड द बोर्ड या अपनी कॉपी में अगर देखोगे तो इनटू द पेज डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाई देगी। यहां पर अगर मैं देखूं तो इनसाइड द बोर्ड दिख रही है, अपनी कॉपी में देखोगे तो इनटू द पेज ऐसी डायरेक्शन मिलेगी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने पर, ठीक है। नाउ हमने क्या कहा था, हम सिर्फ वो वाला केस देखेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, बाकी केसेस हमें नहीं देखने। अब यहां पर अगर हम देखें तो करंट भी इधर ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगी, तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगा सकते। बट यहां पर अगर देखें आरएस में, अगर हम आरएस में देखें तो करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। यहां पर आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, ऐसी डायरेक्शन दिख रही है फोर्स की। अपनी कॉपी में फिर से देखोगे तो आउटवर्ड, कॉपी के बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन दिखेगी फोर्स की। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शंस समझ में आई, फोर्स की डायरेक्शंस क्लियर है किस तरह की हम बता रहे हैं। इस वाले पार्ट को अंदर फोर्स लग रहा है, इस वाले पार्ट को बाहर फोर्स लग रहा है, ठीक है। नाउ इस तरह से जब फोर्स लगता है, ठीक है, इस तरह का जब फोर्स लगता है एक एंड पर नीचे की तरफ, एक एंड पर ऊपर की तरफ, या बोल दें एक एंड पर अंदर की तरफ, एक पर बाहर की तरफ, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो कॉइल है, ये जो पूरा सेटअप है, ये रोटेट करने लग जाएगा, ये जो है ये रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। अपनी कॉपी के साथ, अपनी नोटबुक के साथ इस तरह की चीज सोच के देखो, ठीक है, ये इस तरह से रखी है। अगर मैं यहां से अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, यहां से बाहर की तरफ, तो ये चीज इस तरह से घूमने लग जाएगी, ये चीज इस तरह से घूमने लग जाएगी, लाइक दिस। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी हमें देखने को मिलेगा। दिस कॉइल अलोंग विद दिस एक्सल अलोंग विद द स्प्लिट रिंग्स विल स्टार्ट रोटेटिंग, ये जो है घूमने लग जाएगी। ठीक है, ये कॉइल जो है ये कुछ इस तरह से घूमने लग जाएगी, ठीक है। मतलब अगर हम ऊपर से देखेंगे इस कॉइल को, अगर हम ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू अगर इसका देखेंगे हम, तो वो क्लॉकवाइज घूमती हुई हमें दिखेगी, जो कॉइल है वो हमें क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखेगी। ठीक है, ये कॉइल घूमेगी, ये एक्सल से कनेक्टेड है, एक्सल घूमेगा, एक्सल घूमेगा तो हम यहां से इस जगह से जो है आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। ये जो एक्सल है ये भी कुछ इस तरह से हमें घूमता हुआ दिखेगा, थोड़ा सही से, ये एक्सेल भी जो है हमें इस तरह से घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है, लाइक दिस, इधर से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है। नाउ दिस पॉइंट, दिस एंड पॉइंट कैन बी यूज्ड टू
डिलीवर द रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जो हमने कहा था हम इसको रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसको यूज करना चाहेंगे। इस पॉइंट से हम उस एनर्जी को यूज करेंगे। यहां पर एक पंखा लगा दो तो पंखा घूमने लग जाएगा, ठीक है, और इस जगह पर जो है हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, बट दिस इज नॉट ऑल, ये पूरा इसका वर्किंग प्रोसीजर नहीं है। यहां पर फिर से एक कैच आता है, यहां पर फिर से कुछ बीच में गड़बड़ी होती है और उस गड़बड़ी से हमें समझ में आएगा कि ये जो रिंग्स हैं ये हमने आधी कटी हुई स्प्लिट रिंग्स क्यों ली है। Why have we taken split rings and not a complete ring? हमने पूरी रिंग क्यों नहीं ली? ठीक है, अब जैसे ही एक रोटेशन कंप्लीट होगा, यहां बोले हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा, ये कॉइल जब आधी घूम जाएगी, ठीक है, ये कॉइल इस तरह से घूम के आधी घूम गई, तो क्या होगा? S यहां आ जाएगा, R यहां आ जाएगा, Q इधर और P इधर। ठीक है, टर्न होने के बाद ठीक है, टर्न होने के बाद जब ये कॉइल हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगी तो ये कॉइल उल्टी हो जाएगी। अगर हम फिर से इसका डायग्राम बनाए तो ये कॉइल जो है ये हमें इस तरह से देखेगी, S पॉइंट इधर आ जाएगा, R पॉइंट इधर, Q इधर और P इधर। ठीक है, अब हम क्या चाहेंगे कि ये जो कॉइल है ये इसी डायरेक्शन में रोटेट होती रहे। ठीक है, अगर ये अभी इस तरह से ऊपर से देखने पे जैसा हमने कहा ये क्लॉकवाइज रोटेशन दिखेगा, तो हम चाहेंगे इसी तरह से क्लॉकवाइज घूमती रहे। नाउ अगर ये रिंग जो है ये अगर एक फुल रिंग होती, कंप्लीट रिंग होती, या हम सिंपली ये सोचें कि ये ब्रशेस जो हैं, ये डायरेक्टली अगर इस कॉइल से कनेक्टेड होते, ठीक है, अगर ये ब्रशेस डायरेक्टली कॉइल से कनेक्टेड होते तो क्या होता, उसका रिजल्ट क्या होता, वो हम सोचें ध्यान से। ठीक है, पहली बात तो ये ब्रशेस अगर इस कॉइल से डायरेक्टली कनेक्टेड होते तो इस रोटेशन के साथ साथ ये ब्रशेस भी गोल गोल घूमने लग जाते, ये जो वायरिंग है बाहर की ये भी उसके साथ साथ गोल गोल घूमने लग जाती। वो तो हम नहीं चाहते हैं भाई, ये जो बाहर का सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट जो है ये तो फिक्स्ड रहना चाहिए। ठीक है, ये तो बार बार नहीं घुमा सकते हम। ठीक है, ये तो इस रॉड के साथ नहीं घूम सकता। एक्सटर्नल सर्किट को हमें कनेक्टेड भी रखना है बट उसमें मूवमेंट नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह पर फिक्स रहना चाहिए, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये ब्रशेस लगाए हैं जो उसके पार्शियल कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ठीक है, जो उससे
कॉन्टैक्ट में रहते हैं बट उसके साथ फिक्स्ड नहीं है, सिर्फ रिंग्स जो है ब्रश करते हुए उसको निकल जाती है। ठीक है, नाउ स्प्लिट रिंग्स होने की वजह से क्या होगा, जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दूसरी वाली स्प्लिट रिंग जो है S2 जो है वो B1 के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी और S1 जो है वो B2 के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी। सर्किट कंप्लीट बना रहेगा अभी भी, सर्किट विल स्टिल बी कंप्लीट। ठीक है, हम अगर सिर्फ इतना पोर्शन वापस से ड्रॉ करें तो हम ये देखेंगे कि ये स्प्लिट रिंग्स जो थी ये तो कॉइल के साथ साथ मूव करती है, ठीक है, बट ब्रशेस स्टेशनरी है। ठीक है, ब्रशेस स्टेशनरी है, तो अब क्या होगा, S2 जो है वो B1 के कांटेक्ट में आ जाएगी, S1 B2 के कांटेक्ट में आ जाएगी। द सर्किट विल स्टिल रिमेन कंप्लीट, सर्किट अभी भी कंप्लीट रहेगा। ठीक है, सर्किट विल स्टिल रिमेन कंप्लीट, सर्किट अभी भी कंप्लीट रहेगा। सो अब इस पूरे सेटअप का ये जो पार्ट है इसकी यूटिलिटी हमें समझ में आ रही है कि ऐसा ये सेटअप क्यों बनाया गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नॉट वॉन्ट दैट द ब्रशेस ऑल्सो मूव विद द सर्किट, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो ब्रशेस हैं वो कांटेक्ट में भी रहे। अब यहां पर अगर हम एक कंप्लीट रिंग यूज करते तो सर्किट यहीं पे कंप्लीट हो जाता, करंट इधर जाता ही नहीं, लूप के अंदर कॉइल के अंदर करंट जाता ही नहीं। ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा करंट इधर जाता थोड़ा करंट इधर जाता जिसका कोई यूज नहीं होता, तो इसलिए हमने रिंग्स को बीच में से ब्रेक भी कर दिया। उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है और इस तरह से जो है यहां पर सर्किट हमेशा कंप्लीट मेंटेन भी हो रहा है हाफ रोटेशन के बाद। ये जो पिक्चर है दिस इज आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है, अब S से R जा रही है और Q से P आ रही है।
ठीक है. सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म. अब क्या होगा, अब फिर से वही, यहां पर वो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इधर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और जो हमने इसके पहले प्रोसीजर बताया था वही पूरा होता रहेगा. डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि अब ये RS वाली साइड अंदर जाएगी और PQ वाली साइड बाहर जाएगी. पहले क्या हुआ था, PQ वाली साइड अंदर गई थी, RS वाली बाहर आई थी. ऐसा होना भी चाहिए भाई. ये अगर चीज रोटेट हो रही है, पहले ये अंदर जा रही थी, ये बाहर आ रही थी, इस तरह से हाफ रोटेशन हो गया, तो अब ये अंदर जाने लगेगी और ये वाला एंड बाहर आने लगेगा. ठीक है, फुल रोटेशन के बाद वापस से यही सिचुएशन और फिर से वही पूरा प्रोसेस. ठीक है, सो ये फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, और फिर यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी और ये मोटर जो है इसका एक्सेल घूमता रहेगा. इस एक्सेल से हमें इस एंड पर जो भी वर्क लेना है वो हम ले सकते हैं. ठीक है, जैसा हमने कहा इसके आगे यहां पंखा जोड़ दो, पंखा लगा दो तो पंखा घूमने लग जाएगा. ठीक है, हमें जो भी चीज मूव करानी है वो मूव करने लग जाएगी उसे. ठीक है, सो हम यहां पर जो एक्सप्लेन करेंगे पूरा फिनोमेना, उसमें एक एक चीज, एक एक स्टेप हमें लिखनी होती है. ठीक है, हम शुरुआत करेंगे कि जैसे ही हम एज सून एज वी क्लोज द स्विच, क्लोज द सर्किट, द करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन पी क्यू आर एस. ठीक है, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अ फोर्स एक्ट्स ऑन पी क्यू इनवर्ड्स इनटू द पेज या इनटू द बोर्ड. अ फोर्स एक्ट्स ऑन आर एस आउटवर्ड्स, आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द पेज. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग अलॉन्ग विद द एक्सेल. एक्सेल के साथ साथ ये कॉइल भी रोटेट होती है. और फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन में एस वन बी वन अटैच होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं, और एस टू बी टू कॉन्टैक्ट में होते हैं. आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑल्सो चेंजेस. पहले जो है करंट पी क्यू आर एस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था. ठीक है, इस वाले केस में जो है करंट इस तरह से पी क्यू आर एस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था. अब जो है करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एस आर क्यू पी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो हम ये चीज भी वहां मेंशन करेंगे, आफ्टर हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड. कैसे रिवर्स हो जाती है, बिकॉज ऑफ द स्प्लिट रिंग्स. ये स्प्लिट रिंग्स का जो हमने सेटअप लगाया है इसकी वजह से डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है. एस टू कम्स इन कॉन्टैक्ट विद बी वन, एस वन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद बी टू. ठीक है, एंड अगेन फोर्स एक्ट्स ऑन आर एस इन इनवर्ड डायरेक्शन into the page, force acts on PQ in the outward direction, out of the page. फिर से rotation होगा. ठीक है, and after this half rotation, then again cycle begins from here. वापस से cycle यहीं से चालू हो जाती है और यही process repeat होता रहता है. जब तक current pass होता रहेगा तब तक ये motor घूमती रहेगी, rotate होती रहेगी. ठीक है, bye. So, this is all about electric motor. ये सब हमें electric motor से related पढ़ना था. एक बार इस phenomena को, इस पूरे process को खुद से समझने की कोशिश करना, इस diagram को भी बनाने की कोशिश करना. ठीक है, ये जो पूरा working और ये है, this is a very common question in the 5 mark questions of the paper. 5 mark वाले जो question होते हैं उसमें ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है. डायग्राम बनाना है, सेटअप समझाना है, वर्किंग समझानी है, पूरा फिनोमेना एक्सप्लेन करना है. तो इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये पूरा फिनोमेना किस तरह से एक्सप्लेन करना है वो भी हमें आना चाहिए. ठीक है,
दिस इज ऑल फॉर टुडे. मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेके पूरी तरह से इस चैप्टर को